अफेक्टिंग द मेंबर्स ऑफ दिस हाउस और द 12 मेंबर्स सिटिंग आउटसाइड। हाँ भाई, और मगर हम लोगों ने 3-4 घंटे दिए क्लेरिकल एरर डिस्कस करने के लिए। व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज गोइंग ऑन। अगर मैंने बुरी तरह से गुस्सा किया, अगर पर्सनली किसी के ऊपर मैंने कोई बुरी बात कही, उसके लिए मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री रही समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सदस्य जया बच्चन को आपने अपने अंदाज और तीखे तेवर से बोलते हुए जरूर देखा होगा। अक्सर गुस्से में नजर आती रही हैं, लेकिन आज राज्यसभा से जो 68 सदस्य रिटायर हुए उनमें वो भी शामिल हैं और एकदम अलग अंदाज में दिख रही थी। कह रही थी, मैं क्या करूं, मुझे गुस्सा आ जाता है, गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। सुनिए उन्होंने क्या कहा। प्लीज आप, अरे आप अपने अनुभव बताएं। बहुत हम सबकी कामना है वो रिटायर नहीं हो रही है। क्या बोले? थैंक यू सर। 20 साल जीवन का बहुत बड़ा काल होता है, बहुत समय होता है, और जो मेरा अनुभव रहा अच्छा भी रहा, कभी कभी बुरा रहा। और जैसे कल मैंने सभापति जी से कहा, बहुत से वक्त मुझे भी सैडनेस महसूस हुआ जैसे उनको होता है। पर जो सबसे अच्छा अनुभव ये रहा कि मेरा परिवार जो है बहुत बड़ा हो गया। मुझे नहीं लगता कि जो जिस तरह से हम लोग हाउस के अंदर एक दूसरे के ऊपर नाराज होते हैं, और मुझे हमेशा कुछ हमारे साथी बोलते हैं, आप इतना गुस्सा क्यों हो जाती। अब मेरा स्वभाव ऐसा है सर, मैं कैसे बदल दूं? जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है और गलत है उसमें मैं गुस्सा कर जाती हूँ। अगर मैंने बुरी तरह से गुस्सा किया, अगर पर्सनली किसी के ऊपर मैंने कोई बुरी बात कही, उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ और आप सबको, जितने भी लोग हैं इस हाउस में, जो प्रस्तुत हैं, जो बाहर हैं, जो रास्ते में हैं, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ईश्वर आपको लंबी उम्र दे और ईश्वर आपको इतनी ताकत दे कि इस हाउस को आप इर्रेलेवेंट ना बनाए, ये जैसा हाउस पहले था वैसा ही रहे और ताकतवर रहे और उस हाउस से ज़्यादा जो विद्वान लोग इस हाउस में हुआ करते थे एक समय में, ऐसा वक्त फिर वापस आए और इस हाउस को उतना ही गरिमा मिले जो पहले हुआ करता था। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। आज लग रहा है दिल से बोल रही हैं और साथ में ये दुआ भी कर रही हैं कि इस सदन की गरिमा को बनाए रखिएगा और यहाँ ये सदन जो जाना जाता है वो चिंतन के लिए, मनन के लिए, बहस के लिए, इसका ये स्वरूप बने रहना चाहिए। आपको बता दें कि 2 साल पर राज्यसभा के सदस्य रिटायर होते हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 साल होता है। इस बात पर डिपेंड ये बात करती है कि कब कौन किस समय पर आया और उसी हिसाब से फिर रिटायरमेंट होता है। तो 68 सदस्य कुल रिटायर हुए हैं, जिनमें कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी है। और आज राज्यसभा में बहुत ही भावुक पल था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सदस्यों को विदाई देते समय खासतौर से मनमोहन सिंह को याद करके भावुक होते हुए दिखे थे। और अब जया बच्चन हाथ जोड़कर माफी मांगती हुई थोड़ा भावुक हो रही थी। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।